नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग एक और बिहाइंड द सीन है, ठीक है। तो आज एक हमारा शूट है, तो वहीं जा रहे हैं शूट करने, तो वही इस व्लॉग में बिहाइंड द सीन होंगे, ठीक है। तो आज हमारे साथ है पारस जी राजपुरोहित, नमस्कार, और रमेश जी। आज शूट करने जा रहे हैं हम लोग, द मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल वही है नवनीत पचौरी मैम, तो उनका शूट करेंगे आज। काफ़ी सालों से उन्होंने मतलब इस बाड़मेर में हैं वो। वैसे मैम तो दिल्ली के हैं, पर उनके हस्बैंड मुकेश पचौरी सर जो गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल हैं अभी, उनका जब ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था तब आए थे बाड़मेर, और उन्होंने उस टाइम पे द मॉडर्न स्कूल खोली जब बाड़मेर में कुछ चुनिंदा स्कूलें थी, गिनती की 2-3 स्कूलें थी, और आज उस मॉडर्न स्कूल को बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचाया उन्होंने। तो आज उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा बच्चों से, एक एज ए प्रिंसिपल बच्चों से कैसे डील करती है, बच्चों को कैसे समझते हैं, वो सब चीज़ें अपन व्लॉग में देखेंगे, वो शूट में देखेंगे, ठीक। एक कांच लगी हुई मुट्ठी का बटन दबा दबेड़ होए बे आदमी चाहिए करे की अरे कांच लूं लटक जाएगा तिरछो भैया, दो आदमी चाहिए थे गाड़ी का कांच संपर्क करने के लिए। काज बात चिपकाना है भाई साहब के, मारी काले भाई साहब के, भाई साहब के मारी गाड़ी, मारी गाड़ी में बैठा हूं, बेइज्जती मारी कर रहे हो, ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस। अपन सिर्फ अपन तीन लोग जा रहे हैं ना, चौथे बड़े के बेड़ो में ले ना ना, क्यों ना बाहर उड़े ना 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 चाहिए मैं भाई साहब क्या ठीक है, कोई हालत हो तो बैठो यहाँ देखा करिए बंदा के। हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। आज पारस जी बैठा जल्दी समस्या हो रही है, रोज खा ले चल हो गया पारस जी बैठा हो तो बल्ली बल्ली का समस्या हो जाओ या मेहनत लिखी हुई है पारस के हार नहीं मानूंगा। हाँ हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। तो पारस जी के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। पारस जी आज हमारे ब्लॉग में एक नए आप दिख रहे हैं। पारस जी मेरे बड़े भैया हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं। वैसे पारस भैया म्यूजिशियन हैं, सिंगर मान लो आप, बहुत अच्छा गाते हैं। अपन लोग में एक आधा गाना भी सुनेंगे आज, सुना दोगे भैया? ठीक है भैया सुना देंगे। दूसरा भैया पहले रेलवे में जयंत थे, जयंत पोस्ट पे थे, पर अभी इन्होंने असिस्टेंट प्रोफे क्या असिस्टेंट स्कूल लेक्चरर में, स्कूल लेक्चरर में भैया का हो गया म्यूजिक में फर्स्ट रैंक के साथ। भैया का इंटरव्यू भी आएगा, अपन नेक्स्ट इंटरव्यू भैया का ही लेंगे, ठीक है। और राजस्थान में फर्स्ट रैंक थी स्कूल लेक्चरर में म्यूजिक में भैया। बाकी तो वो बाकी चीज़ें अपन इंटरव्यू में पूछ लेंगे, अपने ही पूछ लेंगे तो फिर कैसे चलेगा, एक और एपिसोड आएगा ना इंटरव्यू का। सही बात है सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई हो आपको। और भैया अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी एग्जाम अच्छा हुआ है फ्री, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं भैया, है ना भैया? बहुत बढ़िया शानदार शानदार। मैं की बता, किसकी शादी का लगाया पोस्टर आपने? रमेश जी को बंदा गया कि बीएम किराए में चढ़ाई दिखे गाड़ी भाई रमेश जी गाड़ी नहीं चढ़ाई, रमेश जी आप चढ़ा था किराए में, ठीक है ना रमेश जी? 10 दिन से मैं कह रहा अपन ने एक शूट कंप्लीट हुआ उसके बाद से अब तक भाई साहब आज फ्री हुए, मेरे को आज फ्री मिले हैं। और बलरामन की अपन ने मतलब मैंने वो बनाया था ना सरपंच वाला, वो मांगो मेहनत करा वाला है पूरी, जब सरपंच खींचो मत तो बराबर करो काज नहीं आगो पाछो ही हरगा साइड में हो जा डालन डालन दे रहे हैं ये ताकि इस कर। जब सरपंच वाला ब्लॉग बनाया था ना उस दिन भैया हमको मिले थे, उस दिन के बाद आप आज मिले, उस दिन से ये भाई साहब साइड में पता नहीं यहां शादी थी कोई, उस शादी में ही घूम रहे हैं, आज फिर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है आज मैं भाई साहब, ये थोड़ा सा हमको भी टाइम दे दो, 2-3 घंटे हम शूट करके आ जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से पकड़ के लेके आए हैं आज। भैया का शूट लग रहा है, मेरे को खुद को करना पड़ेगा अकेले। कर देंगे। क्या रमेश क्या बोला था तू? मैं तो 4 बजे फिर रवाना किए मेरी आज, ठीक है समझ गए होंगे आप लोग कितने व्यस्त आदमी है, क्यों नहीं आ रहे टाइम पे शूट, इसलिए नहीं आ रहा टाइम पे शूट मतलब वीडियो, सॉरी नहीं व्लॉग कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मैं ले लूं पारस जी, लगती है ये रास्ते में पाछा इनकी गाड़ी में लेते, गाड़ी में लेना गाड़ी वाला वो करेंगे, हम थोड़ा नया कंसेप्ट और भी लेके आ रहे हैं, मारे वही शुरू करे तो गाड़ी। हां तो कह रहे हम तो यूं मैं हेरो कर दूं बस, बाद में वो भी बाद में करेंगे ना, जब तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तब लेंगे ना। अरे मेरे को ले आ, हां जी
के घर अच्छा उमर लेनो है यार कह रो अच्छा वो नो सीओ साहब था सीओ साहब सिपल जी सिपल जी तो गए ना ट्रांसफर भले तो बीजे लेना तो उमर यार बुजुर्ग हैं हमारे पूर्वज तो बोल गया बुड्ढी औरत नहीं इतना तो मैं मेरे ब्लॉग में मैं रिस्पेक्ट करूंगा ना ऐसे बोलता हूं तो बोलता नहीं मैं इसमें कमेंट नीचे लिखूंगी क्या लिखोगे कि मैं बुड्ढी औरत हूं नहीं ये मुझे ऐसे बोलता है और इसमें ऐसे बोल रहा है हां मैं नहीं मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैम की मैम ने 4 साल मैम ने साथ में काम किया 4 साल या 2 साल 3 साल सोच ले 7-8 साल से साथ में ही है मतलब मैम द मॉडर्न स्कूल के कहते हैं ना कि जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम के टीचर्स हैं है ना मैम फाउंडर मेंबर है 15 साल हो गए मैम को मॉडर्न स्कूल में आज असिस्टेंट प्रोफेसर साहब को भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर बोलना बन जाओगे आप ठीक है ना असिस्टेंट प्रोफेसर तो फिर भाई साहब राम 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 सारा कहीं हाल चाल है भाई रेडी है हाँ तो आज स्कूल में बैठा हो स्कूल में बैठा हूँ मजा कर कितने साल हुआ तुम्हें साल तो घना ही हुआ साल घना ही कितना साल की तो बात ही नहीं कर रहे थे कहीं पेड़ पौधा लगाओ पेड़ पौधा हाँ स्कूल में फिर हाँ तो ये रूम डिसाइड किया हमने बाकी सारे 3-4 रूम देख के हम लोग उसमें हमने ये रूम डिसाइड किया खाली है पूरा नीचे अंडरग्राउंड है इनका रूम भी अलग से ठीक है जिसमें वो सारा कॉन्फ्रेंस रूम कहते हैं कॉन्फ्रेंस रूम है पर नीचे क्या है उसमें इको बहुत ज़्यादा है इको इसमें भी है पर इतनी नहीं है जैसे ये सब बंद है तो इतना इको नहीं है वो सामान रखा हुआ है ठीक है देखते हैं सेटअप करते हैं सारा फर्स्ट टाइम आप बाड़मेर आए तब आपका रिएक्शन क्या था बाड़मेर को देख के शॉक्ड एकदम ज़ैप्ड तो सूट हो गया कंप्लीट पूरा तो आप करते हैं वापस पैकअप ठीक है सामान वगैरह सारा करते हैं सेट एक ये ठीक है तो मैं कम ट्राई करूँगा बोलने का लाज कर धीरे धीरे ट्राई करते हैं ठीक है हमारे भाई साहब काम कर रहे हैं बहुत बेंटी आदमी एक तो ज्यादा बंदा भूख डाल रहा है भूख लगी है मैं गया तो तुम्हें रोटी जी में आ लो भाई साहब को लग गई है भूख बहुत ज्यादा 10 बजे आए थे 10 बजे आए थे टाइम हो गया भाई आप 2 बज गए हैं तो ऑलमोस्ट सूट वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है पैकअप भी हमने कर लिया है अब सामान सारा रखते हैं गाड़ी में फिर चलते हैं घर की तरफ थोड़ा स्कूल में आपको दिखाऊंगा थोड़ी स्कूल भी आपको तो मैं कराता हूँ टूर भी अपना स्कूल का स्कूल लेक्चरर साहब आसा मैम है नहीं यहाँ पे आसा मैम होंगे वहाँ चलते हैं ठीक है आसा मैम बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर आ जाओ। बहुत 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 थैंक यू मैम, ठीक है ना, आपने हेल्प की। कोई नहीं, चालू नहीं है, बंद पड़ा है। ठीक है, बंद पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो बता मुझे, बता। जब जब वीडियो में आएगा देख लेना, तो बता मुझे। जब वीडियो में आएगा, जब व्लॉग में आएगा तो देख लेना। ठीक है, थप्पड़। हाँ, सब आएगी थप्पड़, मेरे को क्या है। क्या करते आप? ओके मैम, थैंक यू, मैं चलते हैं। ठीक है, वाह वाह वाह, हो गया हो गया। मेरा व्लॉग भी चल रहा है साथ में, ठीक है, व्लॉग भी चल रहा है साथ में। हाँ, मैंने बनाया बच्चों का स्कूल का व्लॉग, क्या है शुरुआत की है छोटी सी, व्लॉग की भी साथ में, धीरे धीरे मैं एक के साथ एक धीरे धीरे चीज़ें करते हैं। ठीक है मैम, बच्चों की जस्ट अभी छुट्टी हुई है। बेटा खेल के जा रहे हो, क्या है इस बैग में? स्केटबोर्ड। स्केट सीखते हो आप? क्या सीखते हो स्केट में? हेल्प करूँ आपके लिए? हेल्प करूँ? दो, कहाँ तक जाओगे आप? कौन सी बस में? टेम्पो में जाओगे? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप? हैं बेटा? शास्त्री नगर रहते हो? अरे वाह, कौन सी क्लास पढ़ते हो? फोर्थ में। आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? ये क्या है? ये कैमरा है बेटा, ये यूट्यूब पे जा रहा है, व्लॉग बन रहा है। हाय भैया, मुझे डालो, आपका चैनल का नाम क्या है, सब्सक्राइब करूंगा। चैनल का नाम द टॉक शो। हां, द टॉक शो, द टॉक शो, ठीक है। फर्स्ट सी है हमारी क्लास। अंकल, अंकल हमारी भी फर्स्ट सी। अरे वाह, शाबाश। हमारी भी फर्स्ट सी की छुट्टी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्लॉग बन रहा है बेटा, व्लॉग बन रहा है। हां, बाय। विजय गोपाल की हालचाल है? दिक्कत होने वीडियो में आता तो ओके यार, फन तो नहीं दिक्कत होने ना ना बेटा, पूछ रहा हूं वीडियो दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या है, मैं फिक्स बैठा हूं ये सब ले के जाना ना, ओके करो हर बार बड़ा जाना ना सा, ठीक है ना, आओ चले बाला जी हाल मोटी में। चलो भैया निकलते हैं अब घर की तरफ। चलो हो गया सबूत कंप्लीट यहाँ का, तो चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आज हमारे कार्यकर्ता वगैरह सब थक चुके हैं। कार्यकर्ता ने भूख ठोकाई, थके लाई जे कार्य तो करावे, कोई खर्चो करे कार्य भूख के शूट करावे जे जेला। देखो अब क्या बोल रहे, को नाश्ता नहीं कुछ नहीं, सुबह वाला टाइम स्लिप पड़ा है, अभी भी देखा होगा आपने पहले सुबह रो वहां 2 बजे। अच्छा 2 बज गए क्या? अच्छा 2 बज गए, सॉरी। करते हैं, चलते हैं, नाश्ता करेंगे, घर जा खाना खाएंगे, खाना खाएंगे अब, खाना ही खाएंगे। ठीक, तो भाई साहब कैसा लगा आपको हमारा शूट? शूट बहुत बढ़िया था, बढ़िया था, अच्छा कर रहे हैं हम लोग, शानदार काम बढ़िया कर रहे हो, बस आप लोग दूसरे लोगों को बोलना चाहिए सपोर्ट करो यार। देख लो भाइयों, सपोर्ट चाहिए आप सबका, थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, व्यू लाओ। रमेश जी, हाँ, थके थके कैसा लग रहे हो? थकान दो दिन थी लास्ट वाले वीडियो में, एसी चल रहा है किधर? हाँ, बंद कर दे, बंद कर दो भैया एसी। आज वैसे शूट हमारा बाड़मेर सिटी के अंदर ही था, स्कूल नज़दीक ही है, 3-4 किलोमीटर ही है, तो ज़्यादा बड़ा शूट हुआ नहीं, फिर भी जो बना है देखते हैं कैसा बना है, आगे अभी जा ही रहे हैं, देखते हैं और कुछ अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो हम आपको और बताएंगे। बाकी भाई साहब बोल रहे हैं भूखे पेट के भजन न हुए, ठीक है, भूखे हैं अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा है, घर जाते हैं खाना खाते हैं, फिर शाम को और भी कहीं निकलेंगे बाहर तो शूट करेंगे। शाम को क्या भाई साहब का भी सूट है ना, मैं तो सूट आ देना रोटी जी मंडी बस भाई साहब के पहले खाना खाने दो।